गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। मल मास का महीना अशुभ माना जाता है। इस महीने में हर तरह के शुभ कार्य करने पर रोक होती है। इसे पुरुषोत्तम मास या अधिक मास के नाम से भी जाना जाता है। अधिक मास 3 साल के बाद लग रहा है। पितृपक्ष खत्म होते ही मल मास का महीना प्रारंभ हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है मल मास और कब होता है मल मास। इसके साथ ही जानेंगे कि इस माह क्या करें, क्या ना करें और किन वस्तुओं का करें इस माह में दान। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज्ञान गंगा चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। हिंदू पंचांग में 12 माह होते हैं। इसका आधार सूर्य और चंद्रमा होते हैं। सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्रवर्ष 354 दिनों का माना जाता है। इन दोनों वर्षों के बीच करीब 11 दिनों का अंतर रहता है। ये फर्क 3 साल में 1 महीने के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में 1 चंद्रमास अस्तित्व में आता है। बढ़ने वाले इस महीने को ही अधिक मास या मल मास के नाम से जाना जाता है। इस बार मलमास 18 सितंबर से शुरू होकर 16 सितंबर तक रहेंगे। इसमें भगवान विष्णु की पूजा होती है। इसके खत्म होने के बाद 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र शुरू होंगे। अधिक माह या मलमा में दान का विशेष महत्व होता है। पक्ष के अनुसार आप दान कर सकते हैं। आप कृष्ण पक्ष में घी से भरा चांदी का दीपक, सोना या कांसे का पात्र, कच्चे चने, इसके साथ ही लाल चंदन, कपूर, केसर, शंख और मोती या मोती की माला आप दान कर सकते हैं कृष्ण पक्ष में। इसके साथ ही आप शुक्ल पक्ष में मालपुए, खीर भरा पात्र, दही, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, घी, तिल, गुड़, चावल, गेहूं, दूध, कच्ची खिचड़ी, शक्कर व शहद, तांबे का पात्र और चांदी का नंदीकरण भी दान में दे सकते हैं। खर मास या अधिक मास में कुछ कार्यों को वर्जित माना गया है। कोई भी नई वस्तु जैसे कार, घर इत्यादि ना खरीदे। साथ ही घर के निर्माण का कार्य शुरू ना करे और ना ही उससे संबंधित कोई भी सामान खरीदे। इसके साथ ही कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सगाई ना करे। इसके साथ ही मल मास में कुछ कार्यों को बताए गए हैं जो करने चाहिए। अधिक मास में आप उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन एवं मनन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यज्ञ, हवन, श्रीमद् देवी भागवत, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण का पाठ या श्रवण कर सकते हैं। अधिक मास विष्णु देव का माह माना जाता है, इसलिए आप इस माह में विष्णु मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।